जैसा कि अभी एडवोकेट सलीम खान साहब ने आपको बताया कि 2019 की पुरानी वीडियो जो जावेद कुरैशी साहब से मुतालिक थी वो इस वक्त मार्केट में चलाई जा रही है। ये सच्ची बात है कि 2019 में औरंगाबाद शहर की मारूफ मस्जिद आयशा, उसमें शहरियान औरंगाबाद मुख्तलिफ तंजीमात के एनजीओस के और मुअज्जिज़ीन और तालीम याफ्ता तबका बड़ी तादाद में मौजूद था। इसी तरह कसीर तादाद में वहां पर औरंगाबाद शहर के उलमाए किराम मौजूद थे। उन्होंने हालात को मद्देनजर रखते हुए जावेद कुरैशी साहब से दरख्वास्त की, क्योंकि हमारे उनके मरासिम भी है, उस वीडियो के अंदर भी जिसको चलाया गया वो मेरी ही बात को मेरे ही बयान को चलाया गया। मैंने कहा कि जावेद कुरैशी हमारे जेल के भी साथी हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, उन्होंने उलमाए किराम की बात मानते हुए अपने फार्म को वापस लिया और ये कहा कि मैंने किसी पार्टी के या किसी उम्मीदवार के हक में अपने फार्म को वापस नहीं लिया है। मैं चाहता हूं कि मिल्लत इस्लामिया इंतजार का शिकार ना हो और खास तौर पर नौजवानों में जो बेचैनी पाई जा रही है उस बेचैनी को मैं किस हद तक दूर कर सकता हूं। उन्होंने फार्म लेके वापस किया और वो अपने वादे पर जमे रहे। हमने उनको उस वक्त भी मुबारकबाद दी थी, आज भी मुबारकबाद दे रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इस फैसले में आपकी मदद फरमाए और आपको तरक्यात की बुलंदियों से नवाजे। उनसे ये भी कहा गया था कि इंशाल्लाह आइंदा 2024 में आपको मौका दिया जाएगा। तो मैं आपके सामने इस वीडियो के जरिए से बात वाजे करना चाह रहा हूं कि 19 की बात को 24 के इलेक्शन में विड्रा हो गए जावेद कुरैशी, ऐसी जो अफवाह फैलाई जा रही है आप उस पर ध्यान न दें, ये पुरानी वीडियो है। बाकी तफसीलात इंशाल्लाह मौलाना अब्दुल रशीद मदनी नदवी साहब जो हमारे नायब अमीर शरीयत मरेठवाड़ा हैं वो आपके सामने रखेंगे। मैं इकबाल अहमद अंसारी औरंगाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग यहाँ इसलिए जमा हुए कि 2019 का एक कर्ज वादे की शक्ल में जो हम पर था आज चूंकि उसकी अदायगी का वक्त आ गया है। मस्जिद आयशा में जिस तरह का वहां माहौल था और इलेक्शन की गहमागहमी थी और एक इलाके में जहां पर मुतादिद लोग खड़े थे, असेंबली का इलेक्शन था, उनमें हमारे जावेद साहब भी थे, जावेद कुरैशी भी थे। हम लोगों ने उनसे ख्वाहिश जाहिर की, बल्कि एक तरह से दरख्वास्त की कि मिल्लत की खातिर अगर आप ये कुर्बानी दे सकते हो तो जरूर दें, अल्लाह इस पर आपको बदला भी देगा। और रही बात कि आपकी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए अल्लाह ने अगर हमको बाकी रखा है दुनिया में तो आइंदा 2024 के इलेक्शन में हम आपसे वादा करते हैं कि उस मौके पर हम आपकी ताईद करेंगे। चुनांचे इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के लोग इलेक्शन में खड़े हैं और मुख्तलिफ किस्म की ताईदें भी हुई हैं। बहुत मुमकिन है कुछ लोगों के जहन में ये बात आए कि आप फलां की भी ताईद कर रहे हैं और फलां की भी ताईद कर रहे हैं। एक ताईद मजमूई हैसियत से है और आज की ये ताईद इंफरादी यानी इंडिविजुअल तरीके पर है। ये वजाहत इसलिए जरूरी है कि ये ताईद असलन 2024 की नहीं बल्कि ये 2019 की का वो वादा है जिसकी तकबीर आज हो रही है। मैं अपनी तरफ से जावेद कुरैशी साहब के सिलसिले में उनकी इस इलेक्शन में उनके मुराद की तकमील के लिए दुआ करता हूं और तमाम ही उस इलाके के लोगों से
ये ख्वाहिश करता हूं कि वो जरूर आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और उनको अगर इस मामले में मौका मिलता है और आप लोग मौका फराहम करते हैं तो वो जरूर वहां पर तरक्यात के सिलसिले में कामों की न सिर्फ ये है कि अपने तय पूरी कोशिश करेंगे बल्कि औरों को भी शायद इस तरफ मुतवजे करेंगे। चुनांचे मैं इस मौके पर उनके लिए नेक तमन्नाएं रखता हूं और साथ ही साथ आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि 20 तारीख को अपना वोट वो आप जावेद कुरैशी साहब के लिए जरूर मुख्तस कर दें और उनके हक में अपनी रायदही का इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।